काइनोडर्म एम्बेलॉजी द पास्ता कॉन्टेंट्स होलोब्लास्टिक क्लीवेज रेडियल क्लीवेज एंड द प्लान ऑफ सेल डिजन अकाइनोडर्म्स के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें वी नो दैट द एग ऑफ अनोडर्म इज द माइक्रोलेसिथल एग जो इसका एग है दैट कंटेन वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ योग उस वजह से हम इसको माइक्रोलेसिथल एग कहते हैं एंड इसकी जो डिवेलपमेंट स्टेजेस के अंदर जो क्लीवेज होगी जो सेल डिविजन्स होंगे दे विल डिवाइड द सेल इन टू टू सेल्स एक सेल कंप्लीटली डिवाइड होकर दो सेल्स बना देगा जिसकी वजह से हम वी से दैट द अकारोडर्म्स दे हैव होलो प्लास्टिक क्लीविच माइक्रोलिथल एग्स है और जो क्लीवेज होगी इट विल बी द होलोब्लास्टिक होगी अच्छा जो क्लीवेज है शुरू में जो सेल जब डिवाइड करेंगे दे विल बी ऑफ इक्वल साइज तो इसका मतलब होलो प्लास्टिक क्लीविच है एंड उसके रिजल्ट्स में जो डाटा सेल्स बन रहे हैं दे आर ऑफ इक्वल साइज लेकिन जैसे ही डेवलपमेंटल स्टेजेस आगे प्रोसीड करेंगी तो फिर अन एकवल साइज के सेल्स जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे शुरू में सेल्स इक्वल साइज के बनते हैं लेकिन जैसे सिक्सटीन सेल स्टेज आपसे आगे की स्टेज आएगी तो फिर अन एकवल साइज के सेल जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं रेडियल क्लीवेज अब जो क्लीवेज का पैटर्न है एक तो योग के अमाउंट कम है लेजा होलो प्लास्टिक क्लीविज है अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर जो क्लीवेज को इफेक्ट करता है वो है ओरिएंटेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स जो अकाइनोडर्म्स हैं उनके अंदर स्पिंडल फाइबर इस तरह से उनकी डायरेक्शन इस तरह से होती है कि वो एग्जैक्टली जो सेल्स होते हैं वो बिल्कुल एक ही लाइन में एक ही सीध में जो वो बनते चले जाते हैं तो इसका रिजल्ट ये होता है जब सेल्स एक ही सीध में बनते हैं एक ही लाइन में बनते हैं तो एक सेल के बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर दूसरा सेल जाएगा उसके बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर तीसरा सेल जाएगा तो सेल्स के ऊपर ही सेल्स जो हैं वो बनते चले जाएंगे और ये स्पेसिफिक करैक्टर है ड्यूटेरोस्टोम्स का ड्यूटेरोस्टोम्स में आपको पता है कि हमारे पास काइनोड्राम्स हैं और वर्टिब्रेट्स वगैरह ये इंपॉर्टेंट जो है इसके मेम्बर्स आते हैं ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर तो रेडियल क्लीवेज है यानी एग्जैक्टली एक सेल के ऊपर दूसरा सेल जो है वो बनेगा और इसका मतलब ये काइनोडर्म्स जो है वो दे आल्सो बिलोंग टू द ड्यूटेरोस्टोम्स अब थर्ड ऑप्शन जो है कि हाउ द क्लीवेज विल प्रोसीड क्लीवेज कैसे प्रोसीड करेगी यानी जो जाइगोट है वो कहाँ से डिवाइड करना शुरू करेगा अगर हम जाइगोड को देखें जो सबसे पहली क्लीविज यानी सेल डिवीजन होगी वो बिल्कुल ऊपर से नीचे की तरफ एनिमल पोल से वेजिटेबल पोल की तरफ होगी वैसे ही जैसे हम एक एप्पल को ऊपर से नीचे छुरी से काटते हैं तो जो फर्स्ट क्लीविज होगी इट विल बी फ्रॉम एनिमल पोल टू द वेजिटेबल पोल एनिमल पोल से वेजिटेबल पोल की तरफ होगी एंड इट विल डिवाइड वन सेल इंटू टू सेल्स जयगोड दो सेल्स में डिवाइड कर जाएगा अब जब दो सेल्स को डिवाइड करते हैं तो इसको हम जाइोट नहीं कहेंगे नाउ इट इज एम्ब्रियो ओके सेकंड क्लीवेज जो है सेकंड क्लीवेज पहली क्लीवेज के बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है यानी अगर जो पहली है वो उसको हम यूँ समझे कि वो टॉप से बॉटम की तरफ आ रही है एक लाइन में तो उसके बिल्कुल नाइनटी के एंगल के ऊपर दूसरी जो वो लाइन आएगी और ये भी फ्रॉम एनिमल पोल टू द वेजिटल पोल होगी ये एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ काट लगेगा लेकिन इसमें जो है वो पहली जो सेल डिवीजन है उसके 90 के एंगल के ऊपर जो हुआ लगेगा अच्छा पहली डिवीजन हुई टू सेल्स बन गए सेकेंड डिवीजन हुई तो फोर सेल्स ये वैसे ही है जैसे आप एप्पल को एक दफा ऐसे काटते दूसरी दफा उसको बिल्कुल छुरी को नाइन्टी के एंगल पर घुमाकर फोर पीसेस में डिवाइड कर जाते हैं थर्ड सेल डिवीजन जो है इट इज हॉरिजेंटल ये हॉरिजेंटल होगी और जो एक ये नहीं हॉरिजेंटल का मतलब यह कि सेंटर से यूँ उसको काटेगी इक्वेटर की रेफरेंस से काटेगी पहली जो है वो वर्टिकल है वो ऊपर से नीचे आ रही हैं जबकि आप जो होगी इसमें क्या होगा कि ये हॉरिजॉन्टल क्लीवेज होगी तो इसमें सिंपली जो फोर सेल्स हैं हर सेल को सेंटर से दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा देयर विल टू टायर्स ऑफ सेल फोर सेल्स नीचे रह जाएंगे फोर सेल्स ऊपर आ जाएगी तो थर्ड क्लीवेज के बायस एट जो है वो आ जाएगी तो दो सेल्स जो है बनेंगे एनिमल पोल वाले सेल अलग हो जाएंगे वेजिटेबल पोल वाले सेल्स जो है वो अलग हो जाएंगे फोर्थ क्लीवेज फोर्थ क्लीवेज के लिए अगेन अगर हम इसको देखेंगे तो ये मेरियडन यानी कि ये भी लैंग्वेज उसके जो है वो बिल्कुल पहली और दूसरी क्लीवेज के पैटर्न को ही फॉलो करेगी फ्राम एनिमल पोल टू द वेजिटल पोल तो अब इसमें ये होगा कि फोर्थ क्लीवेज हर सेल को दो फर्दर सेल्स में डिवाइड कर देगी रिजल्ट ये होगा देयर विल बी सिक्सटीन सेल स्टेज तो फोर्थ क्लीवेज के बाद वी विल हैव अ बाल ऑफ सेल बाल ऑफ सेल होगा और ये सिक्सटीन सेल स्टेज हमारे पास जो है वो मौजूद होगी अच्छा यहाँ अगर हम सिक्सटीन सेल स्टेज को देखें तो हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल जो है वो अब आगे हमें नज़र आएंगे सिक्सटीन सेल स्टेज के बाद जब फर्दर सेल डिवीजन होनी है तो उसमें हमारे पास जो है वो फिफ्थ क्लीवेज जो इट इज़ अगेन हॉरिजेंटल ये हॉरिजेंटल है जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हमें जो है वो मिलेंगे एनिमल पोल वाले सेल्स आमतौर तो पर एक जैसे होते हैं सारे के सारे दे आर कॉल्ड म्यूजोमीयर्स वेजिटल पोल वाले सेल्स में कुछ सेल्स हैं जो स्मॉल साइज हैं कुछ सेल्स लार्जर साइज के हैं स्मॉल साइज सेल जो हैं दे आर कॉल्ड माइक्रोमीयर्स एंड लार्ज साइज सेल दे आर कॉल्ड द मैक्रोमीयर्स डायग्राम में आप देख सकते हैं बड़ी फर्स्ट सेल डिवीजन फ्रॉम एनिमल पोल टू द वेजिटेबल पोल फर्स्ट क्लीवेज के बाद टू कंप्लीट सेल्स बन गए हैं सेकेंड क्लीवेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगेन ये भी हमारे पास टॉप टू बॉटम है और इसमें जो पहली क्लीवेज है ये उसके जो है वो 90 के एंगल के ऊपर क्लीवेज हो रही है तो वी आर हैविंग फोर सेल स्टेज थर्ड क्लीवेज जो है आप देख सकते हैं बिल्कुल हॉडिजेंटल है इक्वेटर किससे डिवाइड कर रही है इसको तो फोर सेल्स ऊपर बन जाएंगे फोर सेल्स हमारे पास वी विल हैव फोर सेल एट द वेजिटल पोल एंड फोर सेल्स एट द एनिमल पोल्स तो यहाँ आप देख सकते हैं सेकेंड रो में जो फर्स्ट है वो उसको फोर्थ क्लीवेज को रिप्रेजेंट कर रही है वी आर हैविंग एट सेल्स ओके अब नेक्स्ट जो सेल डिवीज होनी है इसमें हमारे पास जो सेल्स हैं अगर आप इसमें देखें दे आर अन साइज सेल्स हैं ऊपर वाले सेल्स जो है एनिमल पोल के सेल्स दे आर आल ऑफ इक्वल साइज इसको हम मिजोमियर कहते हैं वेजिटल पोल के सेल्स में से कुछ सेल्स हैं वो लार्जर साइज के हैं दे आर माइक्रोमीयर्स कुछ सेल्स स्मॉलर साइज के हैं दे आर कॉल द माइक्रोमियर्स तो इसका मतलब इससे आगे जितने भी सेल्स बनेंगे उसमें हमारे पास एनिमल पोल वाले सेल अलग कंसिडर होंगे उनका साइज अलग होगा जबकि वेजिटल पोल में हमारे पास मैक्रोमियर्स और माइक्रोमियर्स जो है वो बनते चले जाएंगे शुरू में सेल डिवीजन सिंक्रोनस हैं एक साथ हो रही हैं लेकिन जैसे आगे प्रोसीड करेंगे तो सेल डिवीजन है वो ए सिंक्रोनाइज हो जाएंगी